मास्टर प्रगति जोशी वेलकम इन फिट मी पिज़्ज़े। आज हम हमारी फिट मी पिज़्ज़े फैमिली के एक मेंबर की रिक्वेस्ट पर डव सोप का ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। इस साबुन को मैंने कुछ दिनों तक यूज किया, उसके बाद में जैसा मैंने फील किया आज मैं आपको वो शेयर करने वाली हूँ। ये हाथ में मेरे डव सोप है। इसकी यदि हम फ्रंट पैकिंग पर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम से बना हुआ है, मतलब यह हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इसी के ऊपर कॉर्नर में यह लिखा हुआ है कि यह साबुन डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा टेस्टेड है, मतलब यह ओल्ड स्किन टाइप के लिए सेफ है। यह साबुन मैंने लोकल स्टोर से 25 रुपए में खरीदी है, बट इसकी यदि हम पैकेट पर देखें तो 27 रुपए 60 ग्राम के साबुन के लिखे हुए हैं, पर मेरे 25 रुपए ही लगे हैं। अब डव सोप के हम बैक साइड में देखें तो इसमें कॉर्नर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि यह साबुन पीएच बैलेंस्ड फॉर्मूला से बनी हुई है। इसका मतलब इस साबुन की जो पीएच है वह हमारी स्किन को सूट करती है। इसे टेस्ट करने के लिए मैंने मेरी पीएच स्ट्रिप का पीएच मीटर का यूज किया है। इसके लिए मैंने डव साबुन को हल्का सा साफ पानी में गीला करके पीएच स्ट्रिप के एक टुकड़े को डव से रिएक्ट करवाया और 1-2 मिनट बाद देखा तो पीएच स्ट्रिप का कलर पीएच मीटर के 5 से 6 की रेंज में आया है। हमारी स्किन की नेचुरल पीएच 5.5 होती है। यह स्लाइटली एसिडिक होती है ताकि जो बैक्टीरिया है वह स्किन पर ग्रोथ नहीं कर सकें। हमने टेस्ट से यह देख लिया कि जो डव की पीएच है वह हमारी नेचुरल स्किन की पीएच से मैच कर रही है। इसका मतलब डव को यूज़ करने पर यह हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह स्किन को इरिटेशन नहीं देगा, मतलब यह सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ है। इस साबुन के पैकेट पर यह भी बताया गया है कि यह प्लांट बेस्ड क्लींजर से बना हुआ है, तो यह सही है क्योंकि जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखा तो यह कोकामाइडोप्रोपाइल बीटेन नाम के कोकोनट बेस्ड क्लींजर से बना हुआ है। कोकामाइडोप्रोपाइल बीटेन एक कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट है। यह सोडियम लोराइल सल्फेट की जगह काम आता है, तो यह एक तरह से सल्फेट फ्री साबुन है। यदि हम इस साबुन के और अच्छे इंग्रेडिएंट देखें तो इसके अंदर ग्लिसरीन है जो त्वचा को मॉइस्ट करती है, उसकी नमी को बनाए रखती है। यदि हम डव सोप के इंग्रेडिएंट्स में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को देखें तो उसमें सल्फेट, ट्रिक्लोसान और पैराबेन नहीं है। इसका मतलब ये कुछ हद तक सेफ है। जब मैंने इस साबुन को यूज़ किया तो इसके झाग थोड़े क्रीम के टाइप के थे, इसे यह दर्शाता है कि यह 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो बनी हुई है। इसे यूज़ करने पर मुझे लगा कि यह स्किन को बिना ड्राई किए हुए साफ करती है, और हमने यह भी देखा कि इस साबुन की पीएच हमारी स्किन से मैच कर रही है, तो यह हमारी स्किन को इरिटेट किए बिना साफ करती है, तो यह एक ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट सोप है। बट इसका मतलब यह नहीं कि यह पूरी तरह से हार्मफुल केमिकल से फ्री सोप है। इसके अंदर EDTA जैसे हार्मफुल केमिकल हैं। इसके अलावा इसमें और केमिकल्स का यूज हुआ है, जैसे कि परफ्यूम, क्योंकि हमें पता है कि इस एक अकेले वर्ड परफ्यूम में लगभग 300 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल आते हैं जो कि एलर्जिक स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसके अदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसमें जिंक ऑक्साइड, टेट्रासोडियम EDTA, टेट्रासोडियम इटीड्रोनेट, सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स का यूज़ हुआ है। ये सभी केमिकल्स हमारे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये हमारी स्किन को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इन हार्मफुल केमिकल वाले साबुन का लंबे समय तक यूज़ करने पर यह स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में जाकर कई डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि डव एक बाथिंग बार है तो इसके ऊपर TFM वैल्यू नहीं दिखाई गई है। TFM वैल्यू इसके पैकेट पर नहीं दी होने के कारण इससे हमें पता ही नहीं चलता कि यह कौन से ग्रेड की साबुन है। एक तो यह साबुन पानी में जल्दी घुलने वाली है, इसलिए यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, यह जल्दी गल जाती है। और दूसरा, इस साबुन के अंदर स्किन को एक्सफोलिएट और ब्राइट करने के लिए कोई भी एडिशनल इंग्रेडिएंट नहीं है, मतलब यह स्किन की डेड सेल को हटाने में हेल्प नहीं करती और यह स्किन को ब्राइट भी नहीं करती। यदि हम क्लीन ब्यूटी की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स 100% तो हार्मफुल केमिकल से फ्री नहीं हैं,
बट इसमें मोस्ट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट ट्रिक्लोसान और पैराबेन का यूज नहीं हुआ है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस साबुन को 5 में से 3.5 स्टार दिया है। यदि आप भी ऐसे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, उस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू जरूर बनाऊंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस।